Swamiji, uh, I'm uh, confused in uh, two terminologies, particularly in uh, English. Uh, in uh, Purvi culture, Purvi Sanskriti, we call it dhyan. Can we uh, translate uh, this word uh, dhyan into either meditation or mindfulness? Because I have heard so many people using this uh, term mindfulness nowadays. Uh, what, I, what I feel uh, is meditation is all, all about evacuating ourselves, right? Uh, then why do we call uh, it, uh, mindfulness? There is no proper word in English and in European languages, क्योंकि वहां पर ध्यान पैदा ही नहीं हुआ ध्यान पूरब के ऋषियों की खोज है इसलिए ऋषि को हम अंग्रेजी में सियर कहते हैं फिलासफर नहीं कहते हैं पश्चिम में फिलासफी पैदा हुई फिलासफी का मतलब होता है सोचना विचारना किसी समस्या का हल निकालना कोई इंटेलेक्चुअल सिद्धांत निर्मित करना उस फिलासफी की ही एक ब्रांच फिर विज्ञान हो गई साइंस हो गई आज भी कोई साइंस में एम करता है फिर रिसर्च वर्क करता है चाहे वो फिजिक्स में केमिस्ट्री में कर रहा है उसको हम डिग्री देते हैं पी डॉक्टर ऑफ फिलासफी वाह फिलोसफी या पश्चिम में फिलासफी पैदा हुई थी फिर फिलासफी की एक ब्रांच धीरे धीरे साइंस बन गई तो पुराना शब्द पीएचडी अभी भी चल रहा है वहां पर ध्यान नहीं खोजा गया यह पूरब और पश्चिम का एक भेद है पूरब में विज्ञान नहीं खोजा गया हमने आउटसाइड वर्ल्ड में उतनी रुचि नहीं ली हम अपनी खोज में लगे हमारे यहां के जो प्रतिभाशाली लोग थे बुद्धों की महावीरों की राजा जनक हो कि महर्षि पतंजलि हो कि भगवान कृष्ण हो इनकी खोज स्वयं की खोज थी आत्म साक्षात्कार आत्मज्ञान सेल्फ रियलाइजेशन ये मुख्य बिंदु था तो पूरब की सारी प्रतिभा भीतर की खोज में लगी और पश्चिम की सारी सभ्यता संस्कृति और वहाँ की जो प्रतिभा थी वो बाहर की खोज में लगी उससे फिलॉसफी पैदा हुई और साइंस पैदा हुआ जैसे पूरब के आदमी को अगर वास्तव में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना है तो उसको पश्चिम में जाके पढ़ाई लिखाई करनी होगी पूरब में सब नकल है। नंबर टू है यहां कोई आदमी चाहे फिजिक्स में एमएससी कर ले और पी एच डी भी कर ले उसका दिमाग परिवर्तित नहीं होगा वो साइंटिफिक एटीट्यूड वाला नहीं बनेगा डिग्री तो उसको मिल गई वो पढ़ा सकता है कॉलेज में प्रोफेसर हो सकता है लेकिन उसका माइंड सेटअप जो है वो जो बचपन से उसकी सबकॉन्शियस माइंड बनी है वो साइंटिफिक नहीं हो सकती क्योंकि बचपन की कंडीशनिंग है वैसी पश्चिम में विज्ञान और फिलासफी पैदा हुई अब दार्शनिक के लिए कोई शब्द नहीं है पश्चिमी भाषा में मजबूरी में दर्शन को हम फिलासफी कहते हैं जबकि दोनों बातें बिल्कुल अलग है दर्शन का मतलब है टू सी टू वॉच टू बी ए विटनेस और फिलासफी का मतलब है लव ऑफ थिंकिंग चिंतन मनन से प्रेम ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं पूरब का ऋषि कह रहा है कि चिंतन मनन के पार जाना है चिंतन मनन को ड्रॉप करना है और पश्चिम चिंतन मनन पे फोकस कर रहा है इसलिए पश्चिम के जो फिलासफर हैं वे दार्शनिक नहीं हैं और पूरब के जो दार्शनिक हैं वे फिलासफर नहीं हैं उन्होंने कोई सिद्धांत नहीं दिया तो इस बात को भेद समझिएगा इसलिए मेडिटेशन का कोई इक्विवेलेंट वर्ड पश्चिम की भाषाओं में नहीं है